एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी कमला और उनका 2 साल का बेटा नकुल रहता था। रमेश खुदाई का काम किया करता था जिससे उसके घर का खर्च चल पाता था, पर वो इतना नहीं कमाता था कि वो और उसका परिवार एक अच्छी जिंदगी बिता सके। एक दिन जब रमेश रात को थका हारा घर आया तो आते ही कमला उससे बोली, आपको पता है ना कल मुझे मायके जाना है, मुझे जाने से पहले कुछ पैसे दे देना। हाँ मुझे पता है, पर आज जो कमाई हुई उससे घर का सामान ही आ गया, बल्कि थोड़े पैसे कम ही पड़ गए थे। हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊंगी अपने घर? खाली हाथ जाना कोई अच्छा लगता है क्या? कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो क्या मैं वहाँ किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी? मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि कितनी कमाई हो पाती है और क्या ही बच पाता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं क्या ही करूँगी, कहीं जाकर यही ठीक हो। कमला रोते हुए अंदर चली जाती है। रमेश को कमला के लिए बड़ा ही दुख होता है कि वो अपने मायके नहीं जा पा रहे। रमेश भी उदास होकर सो जाता है। अगले दिन रमेश काम के लिए निकलता है पर उसे कहीं कोई खुदाई का काम नहीं मिलता। रमेश निराश होकर घर आने लगता है, पर तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। अरे ओ भाई, जरा सुनो तो। जी कौन, क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ भाई, तुमको ही बुला रहा हूँ, आओ। जी सेठ जी, बोलिए। तुम खुदाई का काम करते हो? जी सेठ जी। अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी जमीन है, वहाँ मुझे ट्यूबवेल लगवाना है। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। रमेश बड़े मन से वहाँ काम करना शुरू कर देता है। पूरा दिन वो वहाँ की झाड़ियों को हटाने का काम करता है। सारी सफाई के बाद रमेश एक जगह देखकर खुदाई शुरू कर देता है। जैसे ही रमेश खुदाई करना शुरू करता है उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए खुदाई का काम फिर से शुरू कर देता है। आज तो मैंने काफी काम कर लिया, रात भी होने वाली है, पर सोच रहा हूँ थोड़ा और गड्ढा खोद कर ही घर जाऊँ। रमेश गड्ढा खोद ही रहा होता है कि अचानक उसके फावड़े से कोई चीज टकराती है। रमेश फिर से फावड़ा मारता है तो फिर से कुछ टकराता है। रमेश को लगता है कि ये जमीन में धसे हुए पत्थर होंगे। जैसे वो थोड़ी मिट्टी हटाता है तो वहाँ उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। रमेश थोड़ी और मिट्टी हटाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ तो सोना दबा होता है। रमेश जल्दी से और जमीन खोदने लगता है तो उसे वहाँ ढेर सारा सोने का खजाना मिलता है। रमेश ने तो कभी इतना सोना देखा ही नहीं होता, उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई उसे देखे इससे पहले ही वो जल्दी से खजाने को उठाकर जेब में भरने लगता है, पर जैसे ही वो जेब में खजाना डालता है तभी उसे मिट्टी से धुआं आता दिखता है और फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रुक जाए मूर्ख आदमी, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। कौन है यहाँ? रमेश इधर उधर देखने लगता है कि अचानक उसके सामने भयंकर शक्ल का भूत खड़ा दिखता है। बचाओ मुझे कोई। ये मेरी कब्र है, मैं यहीं रहता हूँ और सालों से भूखा हूँ। तूने मेरी कब्र खोदी और ऊपर से मेरा खजाना चुरा कर ले जा रहा है, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भूत जी, मैं तो यहाँ किसी का काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था यहाँ आपकी कब्र है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे बीवी बच्चे कब से भूखे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खजाना ले जाऊं, जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खजाना ले जाऊं, जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। मैं तुझे ये खजाना दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त भूत जी? अगर तुम रोज मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओ तो मैं तुम्हें रोज इस खजाने में से एक चीज दे दूंगा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो जो तुम बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कल रात को मेरे लिए मिठाई लेकर आना, मेरा मिठाई खाने का मन है। रमेश बड़ा खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी कमला को मिठाई बनाने को बोलता है। ये आपको आज क्या हो गया है, घर में खाने को नहीं है और आप मिठाई की बात कर रहे हो?
ओहो, जो मैंने बोला है बस तुम वो करो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर अगर तुम कल बढ़िया सी मिठाई बनाकर मुझे दे दोगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे। मिठाई बनाने से कैसे दिन बदल सकते? लगता है गरीबी ने आपको पागल कर दिया है। खैर कोई नहीं, घर में जो दूध रखा है उससे कल मैं आपको मिठाई बनाकर दे दूंगी। अगले दिन कमला मिठाई बनाकर रमेश को दे देती है। रात को रमेश मिठाई लेकर चुपके से उस भूत के पास जाता है। भूत जी आ जाओ, देखो मैं मिठाई ले आया हूँ। आखिर तुम मेरे लिए मिठाई ले ही आए। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, जल्दी ये मुझे दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। रमेश वो मिठाई उस भूत को दे देता है। भूत गपा गप उस मिठाई को खा जाता है। वाह, ये मिठाई तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, तुमने मुझे खुश कर दिया। ये लो सोने के कंगन, जैसा मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब कल तुम फिर से मेरे लिए यही मिठाई लेकर आना तो मैं तुम्हें और खजाना दूंगा। रमेश कंगन को हाथ में लेकर बड़ा ही खुश होता है, उसकी तो जैसे सारी समस्या ही दूर हो जाती है। भूत अपनी कब्र में वापस गायब हो जाता है और रमेश कंगन लेकर घर आ जाता है। कमला सोने के कंगन देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। रमेश कमला को सारी बात बताता है, दोनों बड़े ही खुश होते हैं। वो अपने घर का सारा सामान लेकर आते हैं और घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। अब कमला रोज रमेश को दूध की मिठाई बनाकर देने लगी थी। रमेश रोज रात को वो मिठाई लेकर भूत के पास जाता और भूत उस मिठाई को खाकर इतना खुश हो जाता कि वो रोज रमेश को खजाने में से एक सोने की चीज निकाल कर दे देता। धीरे धीरे रमेश नया घर ले लेता है और खूब अमीरों वाली जिंदगी जीने लगता है। कमला के भी ठाट बाट अलग ही हो जाते हैं। एक दिन कमला रमेश से बोलती है, क्या उस भूत के पास इतना सारा खजाना है कि वो रोज हमें देने के बाद भी खत्म नहीं होता? सोचो अगर सारा का सारा खजाना हमें एक बार में मिल जाए तो कितना अच्छा हो, हमें तो फिर इस गांव में रहने की जरूरत नहीं, आराम से शहर में मजे की जिंदगी जिएंगे और नकुल को एक अंग्रेजी स्कूल में डाल देंगे। हाँ ये तो है, और रोज रोज मुझे उस भूत के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो भूत हमें सारा खजाना एक बार में नहीं देगा। अरे कोई तो तरीका होगा, मुझे आज तुम सोचने दो फिर मैं ही कुछ करती हूँ। कमला और रमेश के मन में लालच आ जाता है। अब दोनों सारा खजाना उस भूत से एक बार में लेने के बारे में सोचते हैं। कमला दूसरे गांव में एक तांत्रिक के पास जाती है और उसके पास जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरे घर में एक भूत का वास है जो रोज हमसे मिठाई मांगता है, अब हम क्या करें बाबा? आप ही ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे हम उस भूत को खत्म कर सके। मैं तुम्हें एक भभूत पढ़कर देता हूँ, तुम उस भभूत को मिठाई में मिलाकर उस भूत को खिला देना, मिठाई खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा। कमला उस तांत्रिक से भभूत लेकर घर आ जाती है और मिठाई में मिलाकर रमेश को दे देती है। अब इस मिठाई को खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा। रमेश मिठाई लेकर भूत के पास जाता है। आ गए तुम मिठाई लेकर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज तुमने आने में बहुत ही देर लगा दी। जी बस वो आज मिठाई को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने में मेरी बीवी ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे मिठाई दो बस। भूत रमेश के हाथ से मिठाई लेकर खाने लगता है। मिठाई खाने के बाद ही भूत का शरीर आग की तरह जलने लगता है। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? क्या था इस मिठाई में? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? मैं रोज रोज तुम्हारे लिए मिठाई लाकर थक गया था, इसीलिए आज मैंने तुम्हारा अंत ही कर दिया। अब ये सारा खजाना लेकर हम शहर जाकर मजे में रहेंगे। भूत तड़प तड़प कर जलकर भस्म हो जाता है। रमेश जल्दी से सारा खजाना एक पोटली में बांध कर घर पहुंचता है। रमेश पोटली को खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। पोटली में मिट्टी और कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, हम तो लुट गए, सब बर्बाद हो गया। कमला जल्दी से जाकर घर में रखी पोटली लेकर आती है, पर जब उस पोटली को खोलती है तो उसमें भी कंकड़ पत्थर होते हैं। दोनों सर पकड़ कर रोने लगते हैं।
पर अब उनके पास रोने के सिवा होता भी क्या। दोनों के लालच की वजह से उनको फिर से गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।